नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि हरियाणा में जो टीचर की बहाली हुई थी पीटीआई की, उसको रद्द करके जिस दिन लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा उस तिथि से 5 महीने के अंदर फिर से नई नियुक्ति कर दी जाए। ये 1983 ईस्वी का मामला है। इस मामले के बारे में आपको समझाएंगे। कई लोग नौकरी कर रहे थे, उनका अब क्या होगा और क्या इसी प्रकार का मामला झारखंड में भी कोई है? हम आपको पहले ये बता दें कि जो हरियाणा वाला मामला है जिसमें हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, इस मामले की पूरी वस्तु पर जब देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि यह मामला भ्रष्टाचार का था, न कि किसी प्रकार की कोई नियोजन नीति को लेकर के था। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते ही ऐसा हुआ है। पूर्व में झारखंड में भी जेपीएससी में ऐसे भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं जिसको रद्द करने के लिए कहा गया था, उनके लोगों के ऊपर में केस भी किया गया था। फिलहाल झारखंड में किसी को हटाया नहीं गया नौकरी से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग नौकरी में हैं, इसे कंप्लीट रूप से रद्द कर दिया जाए। अब यहां पर एक नया सवाल आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है, कि क्या सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं? जो भी कैंडिडेट थे, क्या सारे लोगों ने चोरी करके पास किया था? क्या सारे जो कैंडिडेट हैं, क्या सारे लोगों के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने बाद में अपना मैट्रिक इंटर का कोर्स किया और पहले रिजल्ट आ गया? क्योंकि ऐसे भी आरोप लगे कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिजल्ट आ गया, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, रिजल्ट आ गया। तो ये सारे क्या सभी स्टूडेंट के साथ हुआ है या कुछ स्टूडेंट इसमें जेन्यून थे, ये देखना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो एकदम से सही था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि सोनी कुमारी वाले झारखंड वाले जो मामला है, क्या इस पर इसका कोई असर दिखता है? इस पर सिर्फ यही असर दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और तय समय के अनुसार में सोनी कुमारी वाले मामले, जो जिस आंध्र प्रदेश वाले मामले पर रुका हुआ है, उस आंध्र प्रदेश के मामले पर जजमेंट जल्द आ जाएगा, ये इससे पता चलता है। सोनी कुमारी का मामला जो नियोजन नीति है ये पूर्ण रूप से अलग है। हालांकि आंध्र प्रदेश का भी जो मामला था ये भी एकदम अलग है, उसका भी सोनी कुमारी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आंध्र प्रदेश में 100% सीट वहां के अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया था, जो 1500 टीचर की वैकेंसी थी। झारखंड में 13 जिले और 11 जिले जो रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी की एक कॉन्सेप्ट लाई गई थी कि रिजर्व डिस्ट्रिक्ट होगा, इसी लेकर से विवाद हुआ था, इसलिए ये मामला एकदम से अलग है। यहाँ पर 100% जो पूरी सीट थी वो रिजर्व नहीं किया गया था, यहाँ पर कुछ जिले को रिजर्व किया गया था, उसमें भी वहां दूसरे जिले के लोग नहीं जा सकते हैं, ये भी पूरी सीट किसी एक, एक समुदाय के लिए, किसी एक जाति के लिए, एक जनजाति के लिए वहां रिजर्व नहीं था, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट में इतने टैलेंटेड जज होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने फैसले की जानकारी होती है, तो फिर ये निर्णय क्यों लिया गया होगा? देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो तथ्यों पर आधारित होती है। तथ्य का मतलब होता है कि आप कितना सटीक वहां पर जवाब देते हैं, आपके पास वकील की टीम कितनी अच्छी है जो अलग अलग स्थान के रिजल्ट को, अलग अलग स्थान के जजमेंट को इंटरप्रिटेट करते हैं, और ये वकील जो अच्छे होते हैं उनके पास यही रिकॉर्ड होता है। जब झारखंड में मुकदमा हुआ था उसके बाद सोनी कुमारी के टीम में जो इस वकील की फौज है और उनके पास जितने तथ्य हैं, उतना तथ्य संभवतः सरकार के पास नहीं है, चाहे पूर्व में रहा हो या वर्तमान में रहा हो। और यही कारण है कि जब तथ्य की बात आती है, जब वहां इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो तथ्य में सरकार की ओर से दिया गया तथ्य नाकाफी होता है, वो इतना कम होता है कि उस पर, चूंकि जज के पास जब तक आप तथ्य नहीं देंगे, आप इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, तब तक जज फैसला अपने अनुसार से नहीं सुनाते हैं। यहां भी यही हुआ। सोनी कुमारी के वकील ने जितने अच्छे तरीके से आंध्र प्रदेश के मामले को खोज कर निकाला, क्योंकि उसके पहले आंध्र प्रदेश का मामला कोई नहीं जानता था पिछले हाईकोर्ट के जजमेंट के समय, और उसके बाद हाईकोर्ट के जज को कन्विंस करने में सफल हो गए कि ये मामला उसी प्रकार का है
और अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लिहाजा इंतजार किया जाए, जब इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं तब। अब सवाल ये उठता है कि पक्ष में आए फैसला या विपक्ष में आए फैसला, इससे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का, टीजीटी अभ्यर्थियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। टीजीटी में चूंकि हिस्ट्री वाले जो है, सिविक्स वाले जो है, संस्कृत और म्यूजिक के जो टीचर हैं, इनका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। हालांकि इनके ही पैरेलल जो दूसरे समकक्ष विद्यार्थी थे वो सारे लोग ज्वाइन करके अब पेमेंट उठा रहे हैं। ऐसे में एक दिक्कत ये भी आ रही है कि इनका अब क्या होगा। तो अगर फैसला विपक्ष में आता, मान लीजिए कि सोनी कुमारी हार जाती है, ऐसे में जिस डिस्ट्रिक्ट में 100% रिजर्वेशन लगा हुआ था वो ओपन होगा और वहां पर दूसरे उम्मीदवारों को भी मौका मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सोनी कुमारी केस हार जाती है उस कंडीशन में, या जीत जाती है, दोनों कंडीशन आपको समझा रहे हैं, अगर वो हार जाती है तो जो बाकी बचा हुआ जिला है उसी तर्ज पर 100% सीट उस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रिजर्व था उसी तर्ज पर वहां पर बहाली शुरू हो जाएगा। ये एक चीजें होंगी। पंचायत सचिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे सोनी कुमारी केस हार जाए या जीत जाए, उनकी नियुक्ति होगी, चूंकि उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पर उनके लिए फायदा है कि रिजल्ट, सिर्फ ये जो जो ये प्रॉब्लम चल रहा है तकनीकी रूप से कि कोर्ट कुछ तो बोल दे, सुप्रीम कोर्ट या तो पक्ष में विपक्ष में कुछ बोल दे ताकि रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर होगी पंचायत सचिव के लिए। जो हरियाणा वाला मामला है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर के था। झारखंड के स्टूडेंट को यही समझना है कि चूंकि लॉकडाउन के समय में रिजल्ट भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि झारखंड में 8वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, ANM परीक्षा का रिजल्ट आया, JPSC ने चिकित्सा पदाधिकारी की वैकेंसी भी निकाली, दूसरे दूसरे राज्यों में भी वैकेंसी निकाली गई है, दिल्ली में भी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये अच्छी बात भी है, इससे पता चलता है कि लॉकडाउन के समय में भी सरकार काम कर रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है। अब झारखंड में जो जो चीजें रुकी हुई है उस पर फैसला कब होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पर सारे बच्चों को लग रहा है कि समय में फैसला आएगा जल्द ही, और अच्छी बात है कि सुनवाई भी चल रही है। उम्मीद है हमको भी कि आपको ये विश्लेषण जरूर से अच्छा लगा।